हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गाइज, हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं न्यूबार चैम्बर, यानी न्यूबार चैम्बर क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि इसके क्या प्रिंसिपल हैं, उसके बाद देखेंगे कि न्यूबार चैम्बर के क्या काम होते हैं, मतलब क्या फंक्शन होते हैं, उसके बाद देखेंगे अपन क्या RBC कैसे काउंट करते हैं, WBC कैसे काउंट करते हैं और प्लेटलेट कैसे काउंट करते हैं। तो गाइज, आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन चालू कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाइज, देखते हैं न्यू बार चैम्बर। गाइज, फर्स्ट बात, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही 2018 में न्यू बार चैम्बर के नाम से क्वेश्चन आया भी था। गाइज, देखते हैं, न्यू बार चैम्बर का दूसरा नाम होता है हेमेटोसाइटोमीटर। हेमेटोसाइटोमीटर यानी न्यू बार चैम्बर को हेमेटोसाइटोमीटर भी बोलते हैं। अब देखते हैं न्यूबार चैम्बर होता क्या है। न्यूबार चैम्बर इज ए थिक क्रिस्टल स्लाइड, यानी पतली क्रिस्टल की एक स्लाइड होती है न्यूबार चैम्बर विद द साइज ऑफ ए ग्लास स्लाइड। ये इसकी साइज है, यानी ग्लास स्लाइड की जो साइज होती है वो होती है 30 × 70 × 14 mm, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी 30 mm इसकी लंबाई होती है, 70 mm इसकी चौड़ाई होती है और 4 mm इसकी ऊंचाई होती है। ये तो हुआ गाइज के न्यूबार चैम्बर जो स्लाइड होती है वो कितने कितने साइज में होती है और कैसी होती है। न्यूबार चैम्बर होता कैसे है गाइज, आप पिक में देखे उस पर, यह न्यूबार चैम्बर है। अब देखते हैं गाइज के न्यूबार चैम्बर का प्रिंसिपल क्या है। न्यूबार चैम्बर के अंदर जो अपन काउंट करते हैं RBC WBC प्लेटलेट, वो कहाँ कहाँ पर कौन कौन से ब्रैकेट में करते हैं तथा उस जो ब्रैकेट की साइज क्या होती है। तो गाइज, ये चीज़ अपन डिनोट करते हैं किसके अंदर, प्रिंसिपल के अंदर। तो गाइज, सबसे पहली बात, जो ये न्यूबार चैम्बर है ना, इसकी साइज होती है 3 mm लंबाई और 3 mm चौड़ाई। गाइज, ये है न्यूबार चैम्बर। न्यूबार चैम्बर के अंदर देखते हैं इसकी साइज को, 3 mm ये कितनी चौड़ाई होती है और इसकी 3 mm ही होती है लंबाई। गाइज, 3 mm के अंदर देखते हैं अपन बड़े 9 ब्रैकेट आते हैं, 9 ब्रैकेट। अब हम फर्स्ट में एक ब्रैकेट की बात करेंगे तो एक ब्रैकेट को देखते हैं इसकी साइज क्या आती है, यानी 3 mm थी तो 1, 2 और 3 3 mm, यानी इसकी साइज आई 1 mm मल्टीप्लाई 1 mm। गाइज, अब इस चैम्बर को देखते हैं कि इसकी साइज क्या होती है। देखते हैं 1 mm बाई 1 mm, यानी इस बड़े चैम्बर की साइज है ये 1 mm। उसके बाद देखते हैं गाइज, इस चैम्बर के अंदर 16 चैम्बर में डिवाइड है छोटे छोटे ब्रैकेट के अंदर, यानी ब्रैकेट डिवाइड है। यदि इस ब्रैकेट की साइज देखें वो आती है अपनी 0.25 यानी लंबाई गुना चौड़ाई, ये इसकी हुई साइज। 0.25 × 0.25 करेंगे तो अपने आता है 0.0625 mm². ये तो गाइज हुई इस चैम्बर की साइज। लेकिन गाइज, इस चैम्बर के अंदर भी आप देख पा रहे हो कि 16 चैम्बर और हैं, यानी 16 ब्रैकेट और हैं छोटे छोटे। तो गाइज, इसकी जब अपन साइज देखते हैं तो वो आती है अपनी 0.625 × 0.265, यानी लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, तब आती है ये साइज। गाइज, इसको वेरीफाई किस प्रकार करेंगे कि ये साइज किस प्रकार आती है। देखा, 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, यानी 16 ब्रैकेट थे, तब आएगा अपना 0.625। उसके बाद ये बड़े 16 ब्रैकेट हैं तो उस यदि फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तब आएगा अपना 1 mm। 1 mm यानी इस बड़े ब्रैकेट की जो साइज है वो आ जाएगी। उसके बाद 3 mm यानी 3 ये और 3 ये, उस प्रकार हो जाएगा 3 बाई 3 mm। गाइज, इसको वेरीफाई किस प्रकार करेंगे कि ये साइज फिक्स है अपनी। गाइज, सबसे पहले आप उठाते हैं अपन एक बड़े चैम्बर को, देखिए इस प्रकार से ये अपने बड़े चैम्बर को उठाते हैं तो इसमें क्या हुआ, 1 mm बाई 1 mm साइज, यानी इस प्रकार ले लिया अपने, ये बड़ा ब्रैकेट है ये साइड में ले लिया अपने, 1 बाई 1 mm, यानी एक इसकी चौड़ाई हुई 1 mm, एक हुई इसकी लंबाई। हमको अब इसके बाद जब इसकी साइज ज्ञात करनी है, इसकी साइज ज्ञात कर रहे हैं फर्स्ट में, यानी इसमें से छोटे ब्रैकेट की 1/4, यानी अपन पहले देख रहे हैं कि इसकी ये लंबाई है कितनी है, 1 ब्रैकेट कितने 4, यानी बटे में आ गया 4, ये हुई इसकी लंबाई।
अब देख रहे हैं चौड़ाई, यानी इधर भी चार ब्रैकेट हैं तो एक बाई चार। यदि अपन जब इनको मतलब इसको भले अपन काट लो, यानी चार यानी हंड्रेड, हंड्रेड का आया 0.25 लंबाई और चौड़ाई 0.25, इनको यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है इतना, और यदि अपन इसको जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है अपना एक आंसर। ये तो 0.25 तो गाइज अपनी इस छोटे चैम्बर की साइज आ गई, कितनी आई 0.25। अब देखते हैं इससे छोटे ब्रैकेट को, यदि जैसे इस प्रकार देखते हैं इसके अंदर 16 ब्रैकेट यानी 16 कॉलम और है, इसकी साइज कैसे ज्ञात करेंगे, 0.25 और 0.25 यानी लंबाई और चौड़ाई। 0.25 यानी चार का भाग देना, जैसे इस प्रकार दिया 0.25/4, 0.25/4 सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है ये, नीचे लंबाई और ये हुई इसकी चौड़ाई, इनको गुना करेंगे इतना आंसर आता है 0.039/0.625। डरने कोई बात नहीं क्योंकि ये साइज है, ये अपने कहीं काम नहीं आती है, बाकी प्रिंसिपल के तौर पर अपन लिखना चाहें तो ये सिद्ध करने बाद अपन को लिखेंगे तीन लाइनें के ब्रैकेट होते हैं उनकी ये साइज होती है। अब गाइस जो अपना ये आंसर आया इसको वेरीफाई करते हैं, यदि इसको 16 से गुना करा हुए तो अपना आंसर आ जाएगा इतना 0.25। गाइस देखिए इसको वेरीफाई करते हैं, इसको 16 से गुना करोगे तो अपना आएगा आंसर इतना, और इसको गुना करोगे 16 से तो आंसर आएगा एक, यानी 1 mm² का जो अपना ये होता है जो ब्रैकेट होता है। गाइस आगे देखते हैं आरबीसी कैसे काउंट करते हैं, डब्ल्यूबीसी कैसे काउंट करते हैं, प्लेटलेट कैसे काउंट करते हैं। आइए गाइस हम देखते हैं आरबीसी काउंट किस प्रकार करते हैं, इसको हम आरबीसी काउंटिंग या आरबीसी मैनुअल या रेटिकुलोसाइट काउंट के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन गाइस आ भी चुका है। गाइस फर्स्ट में अपन देखते हैं कि इसका क्या प्रिंसिपल होता है, क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, क्या इसको सैंपल की जरूरत होती है, क्या इसका प्रोसीजर है, उसके बाद देखेंगे कि प्रोसीजर के बाद क्या इसका रिजल्ट आते हैं, किस प्रकार इसकी काउंटिंग करते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या एरर होते हैं इस टेस्ट के, यानी किस वजह से टेस्ट गलत हो सकता है। देखते गाइस प्रिंसिपल, द ब्लड सैंपल इज डायल्यूटेड, यानी ब्लड सैंपल को पतला किया जाता है विद ए डायलुएंट, इसमें ब्लैक में द मेंटेनेंस ऑफ डिस्क लाइक शेप, यानी मेंटेन करते हैं किसको, डिस्क लाइक शेप ऑफ आरबीसी, किसको, जो रेड सेल की साइज है डिस्क लाइक उसको मेंटेन करती है, और प्रिवेंट एंड रोकती है किसको, एग्लूटेशन का मतलब होता है उच्छन क्रिया यानी रिएक्शन को, एंड सेल आर काउंटेड, और क्या किया जाता है, सेल की गिनती की जाती है काउंट, किसमें, इन न्यूबर चैम्बर और ब्यूरकर काउंट चैम्बर, किसमें, न्यूबर चैम्बर में और ब्यूरकर जो चैम्बर होता है उसके अंदर, ब्यूरकर चैम्बर भी इस न्यूबर चैम्बर को ही बोलते हैं। गाइस देखते हैं स्पेसिमेन यानी सैंपल, यानी इस टेस्ट के अंदर किस सैंपल की जरूरत होती है, इस टेस्ट के अंदर होती है ऑक्सीलेटेड ब्लड की जरूरत होती है, क्या, ऑक्सीलेटेड ब्लड, ये एंटीकोगुलेंट होता है। गाइस देखते हैं उसके बाद इस टेस्ट में एपरेटर्स यानी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, रेड सेल पिपेट यानी थ्रोम्बा पिपेट भी बोलते हैं इसको, जो रेड सेल पिपेट होती है उसको थ्रोम्बा पिपेट भी बोला जाता है। उसके बाद है डाइल्यूटिंग फ्लूइड, यानी 40% जो डायल्यूटिंग फ्लूड की जरूरत होती है जिसको फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, वो जरूरत होती है 1 ml की। उसके बाद जरूरत होती है ट्राइसोडियम सिट्रेट की, कितने, 3.8 ग्राम की, और डिस्टिल वाटर जो कि 99 ml की जरूरत होती है, यानी 99 ml डिस्टिल वाटर और 1 ml फॉर्मल्डिहाइड यानी 100 ml। ये तो गाइस अपने हुए एपरेटर्स, उसके बाद देखते हैं प्रोसीजर किस प्रकार अपन इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। आज अपन देख रहे हैं वो होते हैं थ्रोम्बा पिपेट, और इसमें क्या करना होता है, जो लास्ट की जो है रबर वर्क, इसको पहले प्रेस करना है, उसके बाद अपन को 0.5 जो मार्किंग दिख रही है वहां तक क्या करना है, ब्लड को फिल करना है, यानी इस प्रकार खड़े होने पर और प्रेस करने से, और उसको क्या, ब्लड फिल करना है कहाँ तक, अप टू 0.5 जो मार्किंग है वहां तक। उसके बाद जो डाइल्यूटिंग फ्लूड है जो ऊपर 101 जो मार्किंग है प्रेस करते हुए 0.5 तक तो हो गया अपना ब्लड, उसके बाद क्या करना है, इसी में अपन को फिल करना है डाइल्यूटिंग फ्लूड कहाँ तक, जो 101 मार्किंग दिख रही है वहां तक। उसके बाद इस प्रकार इस टेस्ट ट्यूब के करने के बाद जो अपना बल्ब है इसमें इस ब्लड सैंपल को इस प्रकार छोड़ते जाएंगे, और बल्ब के अंदर पूरा सैंपल लेना है और अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो अगला स्टेप आता है, अब अपन को वेट करना है कितना, 3 मिनट का।
उसके बाद अगला जो स्टेप आता है वो आता है लोडेड ऑफ चैम्बर, यानी चैम्बर को लोडेड ऑफ चैम्बर, यानी अब जो सैंपल है वो लोड करना है किसमें, चैम्बर के अंदर। लोड किस प्रकार करना है, पहले 3 मिनट का वेट करना है, अपन को अच्छी तरह से सैंपल मिक्स होना चाहिए। अब बाय द हेल्प ऑफ रबर बल्क उसकी मदद से इस प्रकार कर लेना है टेस्ट ट्यूब को, उसके बाद 6 ड्रॉप जो सैंपल की फर्स्ट जो 6 ड्रॉप हैं उनको एक्सपेल्ड आउट यानी निकाल देना है यानी गिरा देना है, वो बेस्ट की होती है, जिससे क्या सैंपल अच्छा मिक्स अंदर का आएगा, जो बाहर को यदि कोई भी कंटेंट है वो नहीं आएगा। उसके बाद क्या करना है, जो अपना न्यूबार चैम्बर है उसमें 45 डिग्री एंगल से 1 ड्रॉप से भी फ्यू यानी बिल्कुल कम मात्रा में जितना उसमें सैंपल समा आ सके उतना अपन को सैंपल डाल देना है। जस्ट उसके बाद कवर स्लिप, जो कवर स्लिप है वो उसके ऊपर रख देनी है, किसके ऊपर, न्यूबार चैम्बर के ऊपर। उसके बाद अपन को 3 मिनट का फिर वेट करना है, उससे क्या होगा जो RBC है वो सेट हो जाएंगी यानी सेटल यानी बैठ जाएंगी किसमें, न्यूबार चैम्बर में। उसके बाद अपन को क्या करनी है, उसकी माइक्रोस्कोपी करनी है और अपन को काउंट करनी है, वो देखते हैं किस प्रकार काउंट करते हैं। जो अपने जो ब्रैकेट दिखे 5, अपन को उनके अंदर ब्रैकेट के अंदर ही क्या है RBC काउंट करनी है। जो 5 ब्रैकेट हैं उनके अंदर भी क्या होगा, 5 ब्रैकेट तो बड़े, एक ब्रैकेट के अंदर 16 छोटे ब्रैकेट हैं, इस प्रकार 80 ब्रैकेट के अंदर अपन को RBC काउंट करनी है। अब देखते हैं काउंट करते समय सावधानी कौन कौन सी रखनी है। जो अपना ब्रैकेट है वो इस प्रकार से है, तो इसमें क्या करना है, यदि जैसे ऊपर जो टच RBC हो रही है उसको काउंट करना है, नीचे यदि जो RBC टच हो रही है उनको काउंट नहीं करना है, साइड में यदि मान लो आप हाफ तक है जितनी भी हल्की फुल्की टच हो रही है वो RBC अपन को काउंट कर लेनी है, लेफ्ट यानी राइट की तो काउंट करनी है, यदि लेफ्ट के अंदर जो यदि RBC हल्की फुल्की टच है या हाफ तक टच है वो अपन को काउंट नहीं करनी है, जिस प्रकार आप पिक में देख पा रहे हो। अब गाइस देखते हैं अपन का ये प्रोसीजर हो गया, उसके बाद कैसे काउंट करते हैं, इसमें साथ ये भी देखते हैं कि जब काउंट करते हैं ना अपन को जिगजैग फॉर्म में काउंट करनी होती है इस प्रकार से, जिससे क्या एरर नहीं होगा, एक साइड से काउंटिंग चलती रहेगी और जिससे अच्छी काउंटिंग हो पाएगी। अब देखते हैं अपन, ये तो हुई अपनी इसका प्रोसीजर, लोड हो गया और इस चीज का अपन सावधानी है वो अपन को ध्यान में रखनी है। अब देखना है अपन को काउंटिंग किस प्रकार करनी है और जो कैलकुलेशन है वो किस प्रकार से करनी है। गाइस अब हम देखते हैं कि इसकी काउंटिंग कैसे करते हैं RBC की। जो आप देख रहे हो जो 5 ब्रैकेट हैं उनके अंदर काउंट करनी होती है, आपको ये प्रोसीजर बताया था कि इस प्रकार काउंट करनी होती है पूरी RBC 5 ब्रैकेटों में अपन को काउंट करनी है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, जितनी भी साइड में जो अपन को गलत उत्तर निशान दिख रहा है पिक में वो अपन को काउंट नहीं करनी है। अब क्या करना है कि अपन को जो RBC काउंट करनी है वो कम से भी कम 500 से यदि 600 RBC काउंट होनी चाहिए, चाहे कैसी भी कंडीशन हो पेशेंट की, लेकिन सैंपल के अंदर न्यूबार चैम्बर के अंदर 500 से 600 RBC काउंट होनी चाहिए। उसके बाद अब करते हैं हम कैलकुलेशन, जितना भी है 500 से 600 जितनी भी RBC आएंगी उनको अपन को मल्टीप्लाई करना है 10,000 से, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ काउंट सेल। 10,000 की वजह से जो मात्रक बनता है इसका सेल्स पर MM³ बनता है, MM³ यानी 30³ वर्ग। अब गाइस हम अपन को इसके देखने नॉर्मल रेंज क्या होती है, नॉर्मल रेंज होती है गाइस मेल के अंदर तो होती है, ये मेल के अंदर होती है 4.5 से 6.5 सेल्स पर MM³, और फीमेल के अंदर ये थोड़ी कम होती है, ब्लड कम पाया जाता है फीमेल के अंदर, तो उनके लिए होती है 4.0 से 6.0 सेल्स पर MM³। गाइस अब देखते हैं एरर क्या क्या हो सकते हैं अपने, यानी टेस्ट गलत कब हो सकता है। फर्स्ट तो गाइज अपन ने सैंपल कलेक्शन में मिस्टेक की हो, सैंपल कलेक्शन यदि अच्छे से नहीं किया हो
सेकंड बात, अपन ने पिपेट जो साफ सुथरी नहीं ली हो, तीसरी बात गाइस, जो अपन चैम्बर लोड कर रहे हो उस टाइम उसके अंदर कोई बबल रह गया हो तो अपन को ये विशेष ध्यान रखना है कि चैम्बर लोड करते समय कोई बबल नहीं रहे। उसके बाद अपन ने जो चौथी कमी है वो ये इस तरह से एरर आ सकती है कि अपन ने जो काउंट किया वो अच्छे से नहीं कर पाए। गाइज आज का हमारा टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइज।